मासा, परसों पहले जो त्याग, बलिदान और वीरता आपने दिखाई थी, समय आ गया है कि मेवाड़ फिर से वही त्याग, बलिदान और वीरता देखे। किले की सभी स्वाभिमानी रानियों को अपना आशीर्वाद दीजिए मासा। रानीसा रानीसा, मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। मेवाड़नाथ इधर ही पधार रहे हैं। आप लोग शीघ्र ही जाइए। जाइए बटियानी जी, अपनी शैया पे जाके आराम कीजिए। हुक्म है। हमें महारानी जयवंताबाई के पास किसी विशेष कार्य से जाना है, इसलिए आज हमारी प्रतीक्षा मत कीजिएगा। और वैसे भी ऐसी हालत में आप जितना आराम करें उतना आपके लिए अच्छा है। और पता है क्या कहा उस सिपाही से राणा सांगा ने? कुंवर जी, सो गए क्या? राणा सांगा ने कहा कि तुम शूरवीर के शरीर को मिटा सकते हो, उनकी आत्मा को नहीं। शूरवीर तो मर के भी अमर होते हैं। जुग जुग जियो कुंवर जी। महारानी सा, मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। राणा जी इस समय यहाँ? आज कुंवर प्रताप ने बहुत बहादुरी का काम किया। कुंवर, आपके ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं हमको। महारानी जयवंताबाई जी, राजकाज की परिस्थिति से तो आप परिचित हैं और बाकी की गतिविधियों से आप अवगत होंगे। अनुमान तो लगा ही सकते हैं हमको। इस राज्य की सभी महिलाओं के लिए आप एक आदर्श, और आज आपके सामने वो घड़ी आ गई जब आप इस कुल के बलिदानों की परंपरा को आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएं और इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। हम राजपूत हैं हुकुम। अपने जन्म से ही हम मातृभूमि के ऋण को समझने लग जाते हैं।
आप चिंता मत कीजिए, हम हमारा क्षत्रिय धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और औरों को भी उसे निभाने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे कम की अपेक्षा हम आपसे रख भी नहीं सकते महारानी ज्वंताबाई जी। सभी को तैयार कीजिए जौहर के लिए। राणा जी, आप अपना धर्म निभाएं, हम हमारा निभाएंगे। हम इसी समय इसकी तैयारियां आरंभ करवाते हैं, पर बच्चों के लिए क्या सोचा है आपने हुकुम? उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। चलते जौहर, इस शब्द में बहुत डरावनी भावना उत्पन्न हो रही है। हमें इसका अर्थ पता करना होगा हर हाल में। गणी कमसो, इतनी सुबह सुबह बुलावा, अभी तो राज जैसा ही लग रहा है। बोर हो चुकी है सोम, आपने आने में देर कर दी है। सोम, हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं। ओहो सोम, ये सोने का समय नहीं है, अपनी आंखों को पूरी तरीके से खुली रखने का समय है। सो कौन रहा था बाबूजी राज? मैं तो ध्यान कर रहा था। ध्यान? हाँ हाँ, जानते हैं हम आपका ध्यान। अब ध्यान से हमारी बातें सुनिए सोम। हुकुम। कल रात हमने रानी माँ और दाजी राज के बीच एक बहुत ही भयानक बात सुनी है सोम। भयानक? या जंगल में जो बड़ा शेर घूम रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे महाराणा सा और महारानी जी? नहीं सोम, वे शेर की बातें नहीं कर रहे थे, वे राजपूतों के गौरव की बातें कर रहे थे, क्षत्रानियों के धर्म की बातें कर रहे थे। और जौहर, हाँ वो जौहर की बातें कर रहे थे। हमें बार बार यही प्रश्न सता रहा है सोम कि दाजीराज और रानी मासा आखिर क्या बातें कर रहे थे, और इसका उत्तर ढूंढने में आप हमारी मदद करेंगे ना सोम? बाजीराज, सुबह सुबह बुलाकर क्यों मरवाने की बातें कर रहे हैं? मैं कोई गुप्तचर थोड़ी हूँ, अगर मेरे पिताजी को ये बात पता चली ना तो वो मुझे अवश्य दंडित करेंगे। और अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो हम आपको अपने साथ आखेट पे जंगल नहीं ले जाएंगे सोम। सोच लो। ठीक है बाबूजी राज,
बताइए क्या करना होगा। सोम, पता करो कि रानी माँ के मन में क्या चल रहा है, वे क्या करना चाहती है। ठीक है हुकुम, लेकिन अब मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। बिल्कुल नहीं, अच्छा सोम, आपको पता है जौहर का मतलब क्या होता है? कौन? महारानी सा, आप यहाँ? हुक्म कर देते मैं आ जाती आपके पास। गिरजा साहब, हम अंदर आ जाएं। पूछ के क्यों पाप चढ़ा रही है एक दासी पे महारानी सा? भले पधारो आप। महारानी सा, पूछने का अपराध क्षमा हो तो एक बात पूछूं। वो समय आ गया क्या महारानी सा? हाँ गिर जाता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं जौहर चौक की चाबी निकलवाने। सोते जागते मैं तो केवल एक ही माला जप रही थी, एक लिंगनाथ जी की। ये जो थोड़ी सी उम्र बची है, इसमें मुझे जौहर चौक के वो दृश्य फिर ना देखने पड़े। वो हाहाकार, वो चीत्कारे, नहीं महारानी सा। दृश्य भले ही भयानक है गिरजाता है, पर उद्देश्य गौरवशाली है। इतनी सौभाग्यशाली हैं आप जो आपको मेवाड़ी क्षत्राणियों की वीरता, गौरव और स्वाभिमान के अध्याय का हिस्सा बनने का इसी जीवन में दोबारा सुअवसर मिल रहा है। जाइए, चाबी लाइए। हमारे मेवाड़ नाथ और हमारी सेना को विजयश्री का आशीर्वाद दे। विजयश्री का आशीर्वाद। चलिए दाई माँ। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। बाहुजीराज, सोम, पता चला कहाँ है रानी माँ? नहीं,
आपने कहीं रानी माँ को देखा है? मैंने महारानी सा को महल के पूर्वी भाग की ओर अभ्यास मैदान की ओर जाते देखा है। बाबूजीराज, बाबूजीराज। बाबूजीराज, पुकारते क्यों नहीं आप महारानी सा को? नहीं सोम, मासा जो भी कर रही है हमसे छिपा के कर रही है। हमें भी छिपके इसका पता लगाना होगा। दादा भाई आइए और हमारे साथ तीरंदाजी की प्रतियोगिता कीजिए। नहीं भाई शक्ति, इस समय नहीं। क्यों दादा भाई, हमसे मुकाबला करने में डर लगता है आपको? डर नहीं, ये बात नहीं है, हमें मासा से मिलना है अभी। वाह दादा भाई, हमारी चुनौती छोड़कर भाग रहे हैं। बस अब तो खुश। तो नहीं है महारानी जी? उस कक्ष की ओर क्यों जा रही है रानी माँ? वो तो जौहर चौक के नाम से जाना जाता है और कई वर्षों से बंद पड़ा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.